नमस्कार दोस्तों दोस्तों कहा जाता है कि राजस्थान के बुटाटी गांव में लकवे के मरीज को ठीक किया जा सकता है। दोस्तों वहां पर बाबा चतुर्दास जी का मंदिर है और दोस्तों वहां पर एक हफ्ते तक रुकने से लकवे का जो मरीज होता है वो ठीक हो जाता है। दोस्तों ऐसा हमने है बहुत बार सुना है, लेकिन दोस्तों मैं खुद वहां पर जाकर आया हूँ बुटाटी धाम में। दोस्तों वहां पर मैं एक हफ्ते तक रुका था, यानी कि हम भी किसी पेशेंट को लेकर गए थे और वहां पर एक हफ्ते तक रुके थे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बुटाटी धाम में जाकर क्या करना है। दोस्तों वहां पर कैसे जाना है, बुटाटी वहां पर कैसे रहना है, वहां पर 7 दिन कैसे रहना है, या फिर वहां पर रहने की खाने की सुविधाएं क्या हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में प्योर हाइजीन रिव्यू मैं आपको देने वाला हूं, यानी कि वहां पर क्या होता है, वहां पर क्या वास्तविकता में लकवे के मरीज ठीक होते हैं। दोस्तों इन सभी चीजों को आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मैं हूं राजकुमार प्रदीप। दोस्तों हम एक हफ्ते के लिए बुटाटी धाम गए थे, यानी कि हमारे ही रिलेटिव्स में एक अंकल थे जिन्हें पैरालिसिस हो चुका था, जिन्हें लकवा हो गया था, उनका शरीर का एक आधा हिस्सा जो है वो काम नहीं कर रहा था। फिर दोस्तों हमें किसी ने बताया कि बुटाटी आप चले जाओ, वहां पर अच्छे से इलाज होता है, यानी कि वहां पर बाबा चतुर्दास जी जो हैं उनका पर्चा बहुत भारी है, उनके चमत्कार से मरीज ठीक हो जाता है। तब दोस्तों हम बुटाटी पहुंचते हैं। दोस्तों आपको बता दूं बुटाटी जो है वो नागौर से 60 किलोमीटर दूर रहता है। दोस्तों वहां पर कैसे जाना है, नागौर होके जाना पड़ता है। अगर आप कहां से आ रहे हैं ये सबसे बड़ी चीज मैटर करती है। अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हैं, बाय कार आ रहे हैं, या फिर आप कैसे आ रहे हैं, दोस्तों पंजाब से भी आ सकते हैं, हरियाणा से भी आते हैं, काफी सारे वहां पर लोग आते हैं दोस्तों। लेकिन अब मैं आपको बताऊं वहां पर जाकर करना क्या होता है। दोस्तों वहां पर जाकर हमें सबसे पहले अच्छा सा रूम ले लेना है, ताकि हम वहां पर आराम से रह सकें। दोस्तों रूम कैसे लेना है, दोस्तों मैं आपको बता दूं बुटाटी धाम का जो मंदिर है वहां पर हर प्रकार की जो भी सुविधा है वो सब कुछ फ्री है, यानी कि बुटाटी धाम में काफी सारे रूम अवेलेबल है। दोस्तों उन रूम में आप रहते हैं तो वहां पर आपका खाना फ्री है, आपको रहना फ्री है, जो भी गद्दे आपको दिए जाते हैं वो भी फ्री होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको वहां के रूम जो है अगर आपको सेट ना हो, आपको वहां का जो एटमोस्फियर जो होता है वो आपको अनुकूल ना हो, तो दोस्तों मंदिर के बाहर बहुत सारे गेस्ट हाउस अवेलेबल है जो वॉकिंग डिस्टेंस पर है। दोस्तों वो अगर आप गेस्ट हाउस में रहते हैं, यानी कि हम भी गेस्ट हाउस में रुके थे, हम मंदिर में नहीं रुके थे, दोस्तों गेस्ट हाउस में वो व्हील चेयर अवेलेबल करते हैं कि आप व्हील चेयर लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों वहाँ गेस्ट हाउस में रुकने के बाद हम दोस्तों रुके थे जो मंदिर के पिछले वाला हिस्सा है, वहां पर एक छोटा सा यानी कि बड़ा अच्छा सा गेस्ट हाउस है, वहां पर हम रुके थे। तो दोस्तों आप गेस्ट हाउस में रुक सकते हैं। और वहां पर 7 दिन क्या करना है, दोस्तों 7 दिन यानी कि आपको वहां पर जो आरती होती है, यानी कि वहां पर सुबह आरती होती है, शाम को आरती होती है, तो दोस्तों हमें आरती में जाना पड़ता है। यानी कि अगर वहां को शाम को आरती है तो दोस्तों हमें 5 बजे वहां पर जाकर बैठ जाना है, वहां की जो मंदिर की जो जमीन है वहां पर बैठ जाना है। दोस्तों वहां पर बैठकर 6 बजे करीबन आरती होती है, तो दोस्तों वो आरती में हमें रहना पड़ता है। फिर आरती जो दोस्तों जो होती है, आरती की ज्योत वो बाहर आती है, फिर हमें वो आरती के दर्शन करने होते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें वहां पर जो पेशेंट जो मरीज होता है, आरती खत्म होने के बाद हमें उन पेशेंट को मंदिर की परिक्रमा करवानी है, यानी कि भगवान चतुर्जी दास महाराज के हमें दर्शन करवाने हैं। दोस्तों ये चीज हमें करनी है, बस यही चीज हमें 7 दिन तक करनी है। दोस्तों 7वें दिन ये चीज कंप्लीट हो जाती है, फिर उसके बाद आप घर जा सकते हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं कि वहां पर मरीज ठीक होता है या नहीं। दोस्तों वहां पर कहा जाता है कि 3 दिन रुकने के बाद 4थे दिन आपके पेशेंट को चमत्कार दिखेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं हमारे साथ भी यही हुआ था। हम 3 दिन रुके, हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं दिखा था, लेकिन 4थे दिन चतुरदास जी महाराज का वहां पर पर्चा होता है, चमत्कार होता है, और 4थे दिन पेशेंट के जो हाथ पैर हिलने लगते हैं। दोस्तों ये चीज हमारे साथ भी हुआ था। हमारे साथ हम जिस पेशेंट को लेकर गए थे वो पेशेंट 3 दिन तक कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन 4था दिन हुआ और वहां पर पेशेंट के हाथ और पैर हिलने लगे थे। तो दोस्तों वहां पर पर्चा है, वहां पर चमत्कार है। दोस्तों वहां पर सिर्फ लोग, यानी कि मैं बता दूं वहां पर पंजाब से लोग आते हैं, हरियाणा से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, जम्मू कश्मीर से आते हैं, फिर हम बात करें केरला से भी वहां पर लोग आते हैं, बेंगलोर से लोग आते हैं, कर्नाटका से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं। दोस्तों काफी सारे लोग वहां पर आते हैं वो चमत्कार देखकर। तो दोस्तों आपको इस तरह वहां पर रहना होता है कि बुटाटी धाम में 7 दिन कैसे रहना है, दोस्तों मैं आपको बता दूं वहां पर 7 दिन होते हैं।
कि आप जिस दिन आते हैं वो एक दिन माना जाएगा, यानी कि आप जिस दिन दोपहर को आते हैं तो वो आपका दिन, और जब आप जाएंगे सातवें दिन आप जाएंगे तो सातवें दिन की सुबह की आरती आपको लेकर जाना है। दोस्तों ये सात दिन आपको वहां पर रहने हैं और आपको 100% वहां पर चमत्कार मिलेगा। दोस्तों काफी सारे लोग आते हैं वहां पर, अच्छा होता है, यानी कि हमें सुबह भी इतने जल्दी जाना पड़ता है, यानी कि मैं आपको बता दूं सुबह भी आपको सुबह 5:30 बजे वहां पर जाना पड़ता है मंदिर में, और वहां पर जाकर बैठना पड़ता है। दोस्तों वहां का जो मैं आपको बता दूं कि मैं इसका दूसरा पार्ट भी जल्दी लेकर आने वाला हूं, क्योंकि अभी वीडियो काफी लॉन्ग हो चुका है, 5:30 मिनट से ज्यादा हो चुका है। तो दोस्तों मैं दूसरे वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि वहां पर रियल में वहां पर जो प्रसादी होती है वो कैसे चढ़ाई जाती है, वहां पर परिक्रमा कैसे की जाती है, या फिर वहां पर नीचे बैठने का क्या मातम है। दोस्तों इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप कमेंट करके बता दें कि मैं दूसरा पार्ट इस वीडियो का लेकर आऊं। दोस्तों तो चलिए आज के लिए इतना ही, और चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, और चतुर्जी दास बाबा की जय।